अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे ये है ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ये ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की जाए तो ये चैप्टर नंबर 10 का आई थिंक सेकंड टॉपिक है। एक प्रीवियस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन की, ऑक्सीडेशन क्या होती है, रिडक्शन क्या होती है, चार तरीकों से डेफिनेशन की थी ऑक्सीडेशन की और रिडक्शन की। इसके बाद हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को एक्सप्लेन किया और रिड्यूसिंग एजेंट को एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट लेक्चर जो है हमारे पास ये है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर वर्ड आ सकता है या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। देखो ऑक्सीडेशन नंबर को हम सिंपली ओ एन से भी ज़ाहिर करते हैं। किसे ज़ाहिर करते हैं? ओ एन से। और ऑक्सीडेशन स्टेट को आप ओ एस से ज़ाहिर कर सकते हैं। लेकिन केमिस्ट्री के अंदर जो ज़्यादातर लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है वो ऑक्सीडेशन नंबर है। क्या है हमारे पास? ऑक्सीडेशन नंबर है। ऑक्सीडेशन स्टेट भी इस्तेमाल किया जाता है वर्ड, लेकिन वो कम में थोड़ा सा। तो सबसे पहली हमारे पास जो चीज़ आ रही होती है वो डेफिनेशन है। बट ये वाला जो टॉपिक है ये इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है और इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आया तो कहेगा डिफाइन ऑक्सीडेशन नंबर या स्टेट एंड एक्सप्लेन एनी फोर रूल्स टू असाइन ऑक्सीडेशन नंबर। ये बार दफ़ा अकेले चार रूल पूछ लेता है दो नंबर के लिए। सही है। तो सबसे पहली बात हमारे पास क्या है, डेफिनेशन सिंपल सी है। द अपेरेंट चार्ज, द अपेरेंट चार्ज, ये बेसिकली अपेरेंट चार्ज है ऑन एन एटम, एक एटम पर ऑफ एन एलिमेंट, ऑफ एन एलिमेंट, मॉलिक्यूल और आयन, मॉलिक्यूल्स और आयन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट। किसी भी एटम, आयन या मॉलिक्यूल के ऊपर जो चार्ज सामने आपको नजर आ रहा था वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। मसलन मैं आपको एग्जांपल देता हूं कुछ। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? यहां पे ना मेरे पास हाइड्रोजन है या Na है। आपने पढ़ा होगा Na के ऊपर हमेशा चार्ज क्या होता है? प्लस वन। Na प्लस वन हैज ऑक्सीडेशन नंबर प्लस वन, और Cl माइनस हैज ऑक्सीडेशन नंबर माइनस वन। इसी तरह H प्लस हैज ऑक्सीडेशन नंबर प्लस वन। इसी तरह हमारे पास अगर मैं O माइनस टू हैज ऑक्सीडेशन नंबर माइनस टू। मतलब जो आपको सामने चार्ज किसी भी शय पर नज़र आ रहा होता है ना वो ऑक्सीडेशन नंबर है। वो क्या हमारे पास है? Na के ऊपर प्लस वन चार्ज है, प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट है या नंबर है। क्लोरीन के ऊपर माइनस वन चार्ज है, माइनस वन ऑक्सीडेशन नंबर है। हाइड्रोजन के ऊपर प्लस वन चार्ज है, प्लस वन ऑक्सीडेशन नंबर है। ऑक्सीजन के ऊपर माइनस टू चार्ज है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी माइनस टू है। तो ये हमारे पास डेफिनेशन के साथ आ गया एग्जांपल। एग्जांपल के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ आ रही होती है बच्चे बोलते हैं रूल्स टू असाइन ऑक्सीडेशन नंबर। रूल्स टू असाइन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर को असाइन करने के कितने रूल्स हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये बच्चे रूल्स वही सेम टू सेम रूल्स हैं जो कि आपने नाइन्थ क्लास में पढ़े और वही सारे के सारे आपने यहाँ पे लिखने हैं। क्या कहते हैं? जितने भी फ्री स्टेट में एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा जीरो होता है। पहला जो रूल है वो क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर, मैं ओ एन लिखूंगा। ऑक्सीडेशन नंबर में मैं क्या लिखूंगा? सिर्फ ओ एन। आप पूरे का पूरा वर्ड लिखोगे ऑक्सीडेशन नंबर। आप एब्रीविएशन भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन अगर आपको पेपर में टाइम शॉर्टेज है तो फिर एब्रीविएशन इस्तेमाल करो, वरना आप पूरे का पूरा वर्ड लिखो। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, तमाम एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? ऑल द एलिमेंट्स इन फ्री स्टेट, इन फ्री स्टेट इज जीरो। ये जीरो होता है। मसलन मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हाइड्रोजन का H2 का जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, क्लोरीन का जीरो है। सही है। ये हमारे पास फ्री स्टेट में पाया जाता है, डैश हैज़ जीरो ऑक्सीडेशन
नंबर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके बाद सेकंड नंबर पे जो बात कही जा रही है, एक ऐसा आयन जो एक ही एलिमेंट पर मुश्तमिल हो उसका ऑक्सीडेशन नंबर वही होगा जो उसके ऊपर चार। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन आयन कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल एलिमेंट इज सेम, वो वही होगा इज सेम एज द चार्ज, एज द चार्ज ऑन आयन। ये सारी की सारी एग्जाम्पल इस रूल की है। ये वाला एक ही एलिमेंट पर मुश्किल एटम पर, ये भी एक ही एटम पर, ये भी एक ही एटम पर, ये भी एक ही एटम पर, ऐसा आयन जो एक ही एटम पर मुश्किल हो उसका ऑक्सीडेशन नंबर वही होगा जिसके ऊपर चार्ज है। सही, इसकी एग्जाम्पल देना चाहते हो तो आपके वाले दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ आ रही है, भैया पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ा हुआ है, पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरह का है। इसमें यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ए, यहाँ पे सेकेंड ए ग्रुप है, यहाँ पे थर्ड ए ग्रुप है, और यहाँ पे लास्ट में आ जाता है हमारे पास एट्थ ए ग्रुप। पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ए ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं इनका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस वन है। क्या हमारे पास है? प्लस वन, और टू का प्लस टू है, और थर्ड का प्लस थ्री है। इन पीरियोडिक टेबल, इन पीरियोडिक टेबल ग्रुप नंबर फर्स्ट ए हैज ऑक्सीडेशन नंबर प्लस वन, ग्रुप नंबर सेकेंड ए हैज प्लस टू, ग्रुप नंबर थर्ड ए एलिमेंट्स हैज प्लस थ्री ऑक्सीडेशन नंबर। इसी तरह हमारे पास फिफ्थ एलिमेंट हैज माइनस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। इसी तरह सिक्स ए हैज माइनस टू ऑक्सीडेशन स्टेट, बाद में इसके साथ प्लस सिक्स भी आ जाता है। इस तरह सेवन्थ ए एलिमेंट हैज माइनस वन ऑक्सीडेशन स्टेट। मैं अगर सबकी एग्जाम्पल भी दूँ ना साथ में, इसकी एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं एन ए प्लस वन, इसकी एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो मैग्नीशियम प्लस टू, इसकी एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं एलुमिनियम प्लस थ्री, इसकी एग्जाम्पल में लिख सकते हैं नाइट्रोजन माइनस थ्री, इसकी एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं ऑक्सीजन माइनस टू, इसकी एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं क्लोरीन माइनस वन। सही है, तो ये हमारे पास हो गया जी ऑक्सीडेशन स्टेट पीरियोडिक टेबल में। अब ना इसके बाद हमने दो एलिमेंट का ऑक्सीजन जिक्र करते हैं, एक है हाइड्रोजन का और एक ऑक्सीजन का। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज प्लस वन, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस वन होता है एक्सेप्ट मास वाइज, एक्सेप्ट मेटल हाइड्राइड्स वेयर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज माइनस वन। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज माइनस वन। देखो दो तरह की बातें मैंने लिखी हैं यहाँ पे। भैया हाइड्रोजन की बात की जाए, हाइड्रोजन एच सी एल और एन ए एच। अब देखो इन दोनों कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन है, इधर देखो इन दोनों कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन है। अगर मैं यहाँ बात करता हूँ तो यहाँ पे क्लोरीन है, साथ में क्या हमारे पास हाइड्रोजन है। यहाँ पे सोडियम है, साथ में क्या हमारे पास हाइड्रोजन है। यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है नॉन मेटल के साथ, क्लोरीन क्या हमारे पास नॉन मेटल, इसको कहते हैं नॉन मेटल हाइड्राइड, नॉन मेटल हाइड्राइड। हाइड्राइड ऐसे कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन हो। अब इसमें सोडियम क्या हमारे पास मेटल, ये क्या होगा हमारे पास मेटल हाइड्राइड। भैया मेटल हाइड्राइड में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस वन होता है और नॉन मेटल में प्लस वन होता है। यही बात मैंने लिखी है, सही है कि तमाम हाइड्राइड में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस वन होता है मास वाइज मेटल हाइड्राइड के। सही, मेटल हाइड्राइड में ऑक्सीडेशन नंबर माइनस वन होगा। सही, नेक्स्ट जो रूल है वो ऑक्सीजन के हवाले से,
द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर की बात की जाए, ऑक्सीजन इन किस किस में बच्चे, नॉर्मल ऑक्साइड में, नॉर्मल ऑक्साइड इज -2, पर ऑक्साइड इज -1, सुपर ऑक्साइड में -1/2, और OF2 इज +2। ये ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है। नॉर्मल ऑक्साइड में -2 होता है, पर ऑक्साइड में -1 होता है, सुपर ऑक्साइड में हाफ होता है माइनस का, और OF2 में +2 ऑक्सीडेशन नंबर होता है ऑक्सीजन का। ये एक पॉइंट आ गया। अब इसके बाद दो पॉइंट और हैं जो यहाँ पे एक्सप्लेन किए गए। एक है हमारे पास कि अगर एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है उसमें ऑक्सीडेशन नंबर का सम निकाला जाए तो हमेशा किसके बराबर आएगा, 0 के। इसको आगे जाके यूज भी करेंगे। द सम ऑफ ऑल द ऑक्सीडेशन नंबर तमाम ऑक्सीडेशन नंबर का जो सम है इन अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल इज 0। न्यूट्रल मॉलिक्यूल में जितने भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर का सम होता है वो हमेशा 0 के बराबर होता है। एक और लिखेंगे यहाँ पे, इसका मतलब क्या, देखो H2O है ना, इसके ऊपर चार्ज कोई भी नहीं है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है बेसिकली +1, ऑक्सीजन का होता है -2। इन सब का सम निकालोगे 0 के बराबर आया कैसे, +1 कितने हाइड्रोजन है, 2, एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट जाना है दरमियान लगाना प्लस, कितने ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2 -0, +2 -2 -0, 0 0। सो हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर का जो सम निकला है वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल में हमेशा 0 के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, हमेशा 0 के बराबर आएगा। अब इसके बाद जो एक और रूल है वो है द सम ऑफ ऑल द ऑक्सीडेशन नंबर इन अ रेडिकल इज इक्वल टू द चार्ज ऑन रेडिकल। रेडिकल के ऊपर जो चार्ज होगा उसके बराबर होगा। जिस तरह मैं कहता हूँ OH-, भैया रेडिकल होता है ग्रुप ऑफ एटम हैविंग चार्ज ऑन इट, एटम का ग्रुप होगा जिसके ऊपर चार्ज होगा, मतलब 2, 3, 4, 5 अच्छे एटम आपस में जुड़े होंगे और उनके ऊपर क्या होगा, हमारे पास कोई ना कोई चार्ज होगा। इसको हम क्या नाम दे रहे होते हैं, रेडिकल। यहाँ पे दो एटम का ग्रुप है, दैट्स व्हाट इज नोन एज अ रेडिकल। PO4 -2 सही है, इज SO4 या -3 आता है या -2, यह पांच एटम का ग्रुप है इसके ऊपर चार्ज आ गया, इसको रेडिकल कहेंगे। तो क्या कहेंगे, हम रेडिकल का नाम दे रहे होते हैं, सही है। तो अब यह वाला हमारे पास है रेडिकल। अब इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है -2, एक ऑक्सीजन है प्लस, एक हाइड्रोजन है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी हमारे पास हाइड्रोजन का होता है +1 = जो उसके ऊपर चार्ज होगा उसके बराबर आएगा आंसर। तो कैलकुलेट करके देखें, 2 - 2, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर विल बी -1, मतलब इनमें ऑक्सीडेशन नंबर का जो सम आएगा वो इसके ऊपर जो चार्ज होगा उसके बराबर होगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट रूल है वो ये है कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट इज, ऑक्सीडेशन नंबर की बात की जाए अगर ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट है, दो आपस में जुड़े हुए हैं, इज नेगेटिव। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट इज नेगेटिव, वो क्या होगा हमारे पास, नेगेटिव होगा। मसलन H और Cl आपस में जुड़ा हुआ है,
हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होती है 2.1, क्लोरीन की होती है 3.0। अब क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर आप हमेशा लिखोगे किसमें, -1 लिखोगे, और इसका लिखोगे +1। क्यों? क्योंकि जिसकी ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होगी उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, माइनस में। उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा हमारे पास, माइनस में आएगा। ये सिंपल सी बात आपने ज़हन में रखिएगा, जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा आएगी उसका ऑक्सीडेशन नंबर माइनस में आएगा। इसमें आएगा माइनस में आएगा। चलो जी, ये बात आपने याद रखनी है। अब इसके बाद में जो हमारे पास कुछ प्रैक्टिस करनी है, ये बात हुआ दो नंबर के लिए, ये वाली चीज़ दो नंबर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैंने बता रखा है आपको, जो अगर शॉर्ट क्वेश्चन आया तो वो कहेगा डिफाइन ऑक्सीडेशन नंबर एंड गिव फॉर रूल्स टू एसाइन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर की तारीफ करो और चार कोई से रूल लिख दो। यहाँ पे हमने कितने लिख लिए, 1, 2, 3, 4, 5, 5 और 3, 8, 8 रूल लिखे। अब नेक्स्ट में एक सवाल आ सकता है, वो है कि आपने ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करना होगा अंडरलाइन एलिमेंट का। क्या होगा, डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइन एलिमेंट। अंडरलाइन एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करना है। बच्चे, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर लिखने लगा हूं, इनको आपने याद रखना है, खुद याद रखना है। कैसे बच्चे, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1, सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1, पोटाशियम का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +2, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2। इसी तरह हमारे पास जो आपने यूजली यूज़ करने हैं ना, वो ये वाले, खुसूसन इन्हीं एलिमेंट को वो इस्तेमाल करके दे रहा होता है। इसमें खुसूसन जिसको याद रखना है बच्चों, वो ये है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनको खुसूसन याद रखना आपने, इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। और अगर क्लोरीन का भी यूज़ करना पड़ जाए ना, बाद दफ़ा क्लोरीन का जो यूजली हम पुट करके देंगे वो -1 होगा। वो क्या होगा, -1 जो पुट करने के लिए होगा। वरना बाद में क्लोरीन का भी ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करने के लिए दे देता है, क्लोरीन -1 भी शो करता है, +1 भी शो करता है, +5 भी शो करता है, क्लोरीन के मुख्तलिफ ऑक्सीडेशन नंबर आ रहे होते हैं। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मालूम करने लगे ऑक्सीडेशन नंबर KMnO4 में किसका, अंडरलाइन एलिमेंट का, Mn, मैगनीज कहते हैं इसको। अब कैसे करना है, नज़र सामने हो, एक या दो एलिमेंट का सीख लोगे बाकी खुद भी निकाल लोगे। क्या करोगे, देखो आपने पहले, मैं पूरे तरीकेकार से करवाऊंगा, बाकी शॉर्टकट करवा लूँगा आपको सारे सारे। देखो आपने पता क्या करना, पहले इसके ऊपर चेक करो कोई चार्ज है, नहीं है तो आप इसको रखोगे =0। अगर चार्ज हुआ तो आप उस चार्ज के बराबर रखोगे, वो कैसे वो भी देख लेंगे। आप पहले नंबर पर क्या है हमारे पास, पोटाशियम, आप लिखोगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटाशियम के, कितने पोटाशियम है यहाँ पे, कितने, एक, एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में जाना है, दरम्यान में क्या लगाओगे, प्लस कितने मैकेनिज हैं, एक है Mn, सही है। अब Mn की जगह पर ना आप पे आता क्या करो, वहाँ पे एक्सपोज कर, क्योंकि Mn का हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, जो निकालोगे उसको एक्सपोज करो, नहीं एक्सपोज करना तो आप क्या करो उसकी जगह पर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn लिख लो, तो भी सही है, सही है। तो हमारे पास क्या आ जाए, एक्स प्लस कितने ऑक्सीजन है, 4, एक ऑक्सीजन आगे आ जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, इन सब का सम किसके बराबर रखोगे, 0 के। क्यों, क्योंकि हमने एक पॉइंट लिखा था, सम ऑफ ऑल द ऑक्सीडेशन नंबर इन अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल इज ऑलवेज इक्वल टू 0, न्यूट्रल था हमने 0 के बराबर रख दिया। पोटाशियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है हमारे पास, +1, प्लस एक्स हमने मालूम करना है +4, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है -2 इक्वल टू 0, +1 प्लस एक्स -8 इक्वल टू 0, एक्स -7 इक्वल टू 0, इन दोनों का मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, +7 उस साइड में जाएगा तो हमारे पास एक्स इक्वल टू +7। ऑक्सीडेशन नंबर Mn का कितना होगा हमारे पास, +7। अब एक हो रहा हूँ, मेरे पास है SO4 में, SO4 -2 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिया, क्या करोगे,
कितने सल्फर है? एक है। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, मैं इसकी जगह क्या सपोज करूंगा? एक्स। एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में जाना है, दरम्यान में लगेगा प्लस। कितने ऑक्सीजन है? चार ऑक्सीजन है। आगे हमारे पास आ जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। इन सब का सम किसका बराबर रखेगा? अब इसके ऊपर चार जो है तो आप चार के बराबर रखोगे, सही है। एक्स हमने निकालना चाहते हैं, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होती है या नंबर होता है माइनस टू इक्वल टू माइनस टू, सही है। तो एक्स माइनस एट इक्वल टू माइनस टू, एक्स इक्वल टू माइनस टू माइनस एट, एक्स इक्वल टू सॉरी प्लस एट प्लस सिक्स। सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे प्लस क्या है? प्लस सिक्स है। अब मैं ना के टू सी आर टू ओ सेवन में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है क्रोमियम का। किसका निकालना है? क्रोमियम का। चेक करते हैं, सबसे पहले देखोगे कितना पोटाशियम है? दो। तो क्या आएगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटाशियम? कितने क्रोमियम है? दो। क्रोमियम का निकालना, मैं इसको सपोज करूंगा एक्स प्लस सेवन। कितने ऑक्सीजन है? सात ऑक्सीजन है। तो हमारे पास आ जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू जीरो, क्योंकि ऊपर चार्ज नहीं है। दो ऑक्सीजन पोटाशियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? प्लस वन प्लस टू एक्स और साथ में सेवन माइनस टू इक्वल टू जीरो, प्लस टू प्लस टू एक्स माइनस फोर्टीन इक्वल टू जीरो। इन दोनों को ऐड करो क्या बनेगा? टू एक्स इक्वल टू माइनस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो, टू एक्स इक्वल टू ट्वेल्व, एक्स इक्वल टू प्लस सिक्स। एक बात जो आपने याद रखनी है बच्चे, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी आठ से बड़ा नहीं आएगा। ऑक्सीडेशन नंबर का आंसर कभी भी आठ से बड़ा नहीं होगा, ये छोटी सी बात अपने जहन में बिठा लीजिएगा, सही है। तो ये आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकाले आने चाहिए। क्यों निकाले आने चाहिए? क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक आएगा इक्वेशन को बैलेंस करने का, मुझे वहाँ पे यूज़ होते हैं। आपके एक्सरसाइज के अंदर एक शॉर्ट क्वेश्चन है, उसको सॉल्व कीजिएगा, आपके सारे सारे ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का तरीकेकार आपको आ जाएगा। तो यही हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।